तो पहले बता देता हूं, ये कोई टिप वाली वीडियो नहीं है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि आपको कंसिस्टेंटली हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अगर आप इस चीज को रोज प्रैक्टिस करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं, इंडिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप 95% एटलीस्ट हर एक एग्जाम में ला सकते हो इन सारी चीजों को फॉलो करके बस। सो हाय गाइस, आई एम प्रशांत, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट जो कि इस समय पर अपनी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा है। यार मैंने एक एग्जाम होता है IIT JEE, उसके 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूं अब तक, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को IIT में सिलेक्शन दिलवा चुका हूं। उस एक्सपीरियंस ने मुझे एक चीज सिखाया है कि यार अगर आपको इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, 11th, 10th, कोई भी क्लास हो, अगर आपको उसके अंदर 95% लाने हैं या उससे ज्यादा लाने हैं, तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। यार ये कोई टिप वाली वीडियो नहीं है, ये वो वीडियो है जिसके अंदर मैंने लाखों लोगों को एक मिस्टेक करते हुए देखा है, उन मिस्टेक को आज मैं लेकर आया हूं, और उन मिस्टेक को कैसे आपको हैंडल करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना, और लास्ट में एक दो चीजें इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, तो एंड तक बिल्कुल देख लेना। और ये जो आपके 5 से 10 मिनट होने वाले हैं ना आगे के, वो आपके लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव वे होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है कि ये जो 10 मिनट है ये आपके मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम जाएगा आज के दिन का, तो फॉर श्योर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार बहुत सारे लोगों के अभी CBSE वाले बोर्ड चल रहे हैं, काफी लोगों के JEE नीट जैसे एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुके हैं। आपको अगर कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है ना, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, चाहे आपके पास 10 दिन है, 15 दिन है, 30 दिन है, 50 दिन है, 1 साल है, आपको बस एक काम करना है, वो क्या है, वो मैंने लिख दिया है, वो है स्टार्ट नाउ, आज से शुरुआत करो। हमारी ना एक बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी है आज के समय पर, हम ना कल पे बहुत सारी चीजें टालते हैं। रात को हर एक स्टूडेंट, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं, हर एक स्टूडेंट रात को एक रिग्रेट के साथ सो रहा है आज के समय पर कि यार आज यार उतना ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाया, बट कल से अच्छा पढ़ूंगा, यार आज उतनी एफिशिएंसी से नहीं पढ़ पाया बट कल से अच्छा पढ़ूंगा। हम ये क्यों नहीं बोलते खुद से कि यार आज से, अभी से अच्छा पढ़ना है, क्यों? क्योंकि हमें यार आदत आ चुकी है कल पे चीजों को टालने की, ये रियलिटी है। और आपने ऐसा लाखों स्टूडेंट्स कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी दिक्कत है, उस दिक्कत को आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो यार हमारा नंबर वन पॉइंट यही है कि स्टार्ट नाउ, आज के आज आपको स्टार्ट करना है, कल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, कल किसी ने नहीं देखा है। अगर आपके पास आज के समय पर, अगर आपके पास आज के समय पर 10 दिन भी बच रहे हैं ना, तो भी मैं आपसे कहूंगा अभी शुरू कर दो। अब ना बहुत सारे लोग ना हार मान चुके हैं, जिनके एग्जाम अभी 1 महीने के अंदर है, 2 महीने के अंदर है, वो हार मान चुके हैं, वो बस ऑलमोस्ट वो खत्म हो चुके हैं, वो कहेंगे भाई अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो अगले साल ट्राई मार लेंगे। जो JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहते हैं भाई अगले साल पढ़ लेंगे, उनको बस मैं एक चीज कहूंगा, स्टार्ट नाउ, आज के आज शुरू करो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, ये जो 15-20 दिन है ये इनफ है आपके लिए, बिल्कुल इनफ है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, भैया आप बोल तो देते, हर कोई आके बता देता है स्टार्ट नाउ, बट शुरू कैसे करें? तो शुरू कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। यार देखो, अगर आपको इंडिया का कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है, आपके पास चाहे भी 10 दिन है, 15 दिन है, फिर 1 साल है, 2 साल है, आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है PYQ एनालिसिस। ये क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है, आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस क्या होता है, किस सब्जेक्ट में कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, और कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको बताने के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताना चाहूंगा, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। क्या आप लोगों ने 80-20 रूल के बारे में कुछ सुना है? 80-20 रूल, 80-20 रूल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो आपको कहता है कि सुन, चाहे तू कोई भी एग्जाम दे रहा है पूरी दुनिया के अंदर, हर एक एग्जाम में ये वाला रूल अप्लाई होता है, जो कि आपसे कहता है यार पूरी तेरी किताब के अंदर 20% सिलेबस एक ऐसा सिलेबस होता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उस 20% में से 80% सवाल पूछे जा रहे होते हैं। इसका मतलब यार अगर आप PYQ प्रैक्टिस करके, PYQ उसको ढंग से देख कर, अगर आप एनालाइज कर पाए कि यार ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उन उन टॉपिक को पढ़ के गए, तो 80% नंबर आपके कहीं नहीं गए एट एनी कॉस्ट। कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन के अंदर 80-20 रूल वैलिड होता है, दिस इज द रियलिटी। और जो आपके बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं JEE नीट, उनमें तो ये बहुत ज्यादा 100% एप्लीकेबल होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं यार जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनका 80% वेटेज आ रहा होता है एग्जाम के अंदर। तो टिप नंबर वन समझे, और यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो देखो यार आपको ढंग से देखना है इस वीडियो को, और कुछ सीख के जाना है आज। और जब आप इस वीडियो को देख लोगे ना, तो लास्ट में कमेंट करके जाना कि भैया आज कुछ सीखने को मिला। अगर आपको रियलिटी में कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट जरूर छोड़ के जाना, ठीक है? टिप नंबर वन समझ के 80-20 रूल आज से स्टार्ट करोगे, PYQ एनालाइज करोगे, 80-20 रूल में अपने जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको नोट डाउन करोगे, और फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे, चाहे कितने भी दिन है, इस चीज को आपको फॉलो करना है। चलो टिप नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर टू है राइट नोट्स इन बुक। भैया यार देखो यार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं यार, उनकी ना एक ऐसी किताब होती है जैसे NCERT वगैरह हमारी किताब होती है, तो यार उनको ना अपनी किताबें बहुत क्लीन चाहिए होती हैं, वो कुछ भी नहीं लिखती उनके अंदर। तो लड़के भी बहुत ऐसी चीजें करते हैं, बट मैं आपको एक चीज कहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस से रिकमेंड कर रहा हूं, जो भी आपकी किताब होती है ना, उनमें लिखने से मत डरो।
ये मत सोचो किताब गंदी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, आपको ही पढ़ना है ना, आपको ही पढ़ना है ना। तो बस ध्यान रखो कि यार उस किताब के अंदर आप लिख रहे हो क्या, लिख रहे हो ध्यान से सुनना। जैसे सारी नोट ऐसे लिखे हुए हैं किताब के अंदर, आपको क्या करना है, जैसे आपने एक पेज पढ़ा तो उस पेज के अंदर आपके दिमाग क्या क्या क्वेश्चन बना पा रहा है इस एक पेज को पढ़ने के बाद, वो आपको ऊपर ऐसे ऐसे लिख देने हैं, बस उतना करना है। और बायोलॉजी केमिस्ट्री के अंदर आपको एक हाइलाइटर लेके बैठना है और हाईलाइट करते चलना है जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है एनसीईआरटी के अंदर। तो याद रखो यार, बुक के अंदर नोट्स बनाने से डरो मत, ये जो नोट्स है ना लास्ट के टाइम में रिवाइज करने में इतनी ज्यादा मदद करेंगे। सोचो आपने एक पेज पढ़ा और उसके क्वेश्चन आप खुद ब खुद इधर लिख दे रहे हो और बाद में बस आप वो क्वेश्चन रिवाइज कर ले रहे हो, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। और ये बेस्ट तरीका है स्पेशली 10th 12th और नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका है कि बुक्स के अंदर ही नोट्स बनाओ, ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बुक्स के अंदर अगर आप बायोलॉजी केमिस्ट्री के अंदर अंडरलाइन करोगे वही इनफ है और वही सब कुछ आपका काम करवा देगा, ठीक है। अब यार आपने सीख लिया स्टार्ट करना है, आपने सीख लिया कि नोट्स बनाने हैं, अब थर्ड जो हमारा स्टेप है यार किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो आता है कि यार चीजों को याद कैसे करें। देखो यार, इंडियन एजुकेशन की एक रियलिटी है कि यार हमें ना चीजों को रटना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी रियलिटी है, इसको झुठला नहीं सकते, हमें चीजें रटाई जाती हैं, बट हर एक स्टूडेंट चीजों को रट नहीं पाता। अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो जो कि यार चीजों को रटना पसंद नहीं करते, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन टिप लेकर आया हूं। उसके अंदर क्या होता है यार, आपको चीजों को विजुलाइज करना पड़ेगा। एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान के चलो आपके स्कूल से मैं अपने घर तक का आपको रास्ता बता रहा हूं कि यार देख तू लेफ्ट आएगा राइट आएगा, लेफ्ट आएगा राइट आएगा और ऐसे मुड़ के मेरा घर आ जाएगा, और दूसरे में मैं आपको अपनी कार के अंदर बैठाता हूं और आपको आपके स्कूल से मेरे घर तक लेके जाता हूं, तो किसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको वो जो रास्ता है वो याद रहेगा? ऑब्वियसली बात है केस टू के अंदर याद रहेगा, जिसमें कि मैं आपको बैठाकर आपके स्कूल से अपने घर तक लेके आया। क्यों? क्योंकि आपने रास्ता देखा, आपने रास्ता देखा, आपने गाड़ी से देखा, हाँ भैया पहले राइट चले ऐसे फिर लेफ्ट मुड़ गए, तो ऐसी चीजें आपने देखी और आपकी विजुअलाइजेशन पावर के अंदर वो गई और आपके दिमाग ने बहुत जल्दी उन चीजों को पकड़ा। जबकि अगर मैं आपको सिर्फ बोलता राइट लेफ्ट तो आपको रास्ता मिलने की चांसेस बहुत कम थी। ये क्यों होता है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, जो हम चीज देखते हैं वो बहुत जल्दी हमारे दिमाग के अंदर पकड़ी जाती है। तो अगर आप वो स्टूडेंट हो जो रट नहीं पाते, उनके लिए बस एक छोटी सी टिप है कि यार आप चीज को विजुलाइज करना स्टार्ट करो। अगर कोई भी चीज आती है यार, आप उसका एक स्टोरी लाइन बनाओ। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलो आप हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर आप 10th क्लास के अंदर हो, हिस्ट्री वगैरह आपकी होगी, तो ब्रिटिश वगैरह के कुछ बता रहे होंगे या फिर मुगल एम्पायर के बारे में बता रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, उसको एक पूरी स्टोरी की तरह पढ़ना है। रटो मत, स्टोरी बनाओ कि अच्छा यार एक मुगल एम्पायर आया था, उसने ये जीता, फिर उनकी महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई हुई, यहाँ हुई, ये हुआ, ये बैटल हुआ, ऐसे बैटल हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, अगला जो उसका जो नेक्स्ट जो वॉर थी वो कहाँ हुई, ऐसी पूरी एक स्टोरी लाइनअप बना दो। और उस स्टोरी लाइनअप को अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो तो आपके दिमाग के अंदर वो बैठ जाएगा। एंड रिमेंबर गाइस, ये जो विजुलाइजेशन की टेक्निक है ना, ये आने आने वाले टाइम में, आगे जो आप कुछ 3 से 4 साल में हमारी जब किताबें चेंज होंगी, क्योंकि धीरे धीरे रेवोल्यूशन चल रहा है एजुकेशन का, जब ये किताबें बदलेंगी इंडिया के अंदर, तो जो विजुलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये हर एक स्कूल में यूज होगा। तो अभी से आप यूज करने लग जाओ और खुद को मास्टरी बना लो। हर एक चीज को रटना नहीं है, अब समझ के पढ़ना है। समझ के कैसे पढ़ना है, स्टोरी लाइन बनानी है हर एक चीज की। और एक पॉइंट नंबर 2 और है यार, आप निमोनिक्स बनाकर पढ़ सकते हो। निमोनिक्स क्या होते हैं यार, शॉर्ट फॉर्म में चीजों को बनाकर, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में हर कोई यूज करता है कि मैं अपने टाइम पे करता था, जैसे हमारा होता है ना हाइड्रोजन हीलियम, उन जो पूरी एक लाइन होती है उसको मैं याद करता था, हलीना की रब से फरियाद, है ना, आप समझ गए होगे, HHHELINA ऐसे पूरी मैं पीरियोडिक टेबल याद करता था। तो ऐसे आप निमोनिक्स वगैरह बनाकर चीजों को याद कर सकते हो, जो भी आपको समझ आता है। बट मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चीजों को विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि विजुलाइजेशन जो है वो फ्यूचर है, और जो अच्छा विजुलाइज कर पा रहा है जीतेगा वही। अब रटने वाले का टाइम गया, अब जो विजुलाइज करेगा जीतेगा वो, नंबर उसके आएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। चलो भैया, आपने हमें बता दिया कि यार हमें पढ़ना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने, और हमें चीज़ों को रटना कैसे या रिमेंबर कैसे करना है। अब भैया दिक्कत क्या आती है ना, दिक्कत सबसे बड़ी होती है, जब मैं ये जो आपकी जो किताब थी ना वो जब मैं पढ़ रहा था, तो भैया मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ। यार मैं वैसे डिस्ट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ, बट आज मैं एक ऐसा प्रिंसिपल बताने वाला हूँ जो कि जिन स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली मेंटोर करता हूँ ना, उनको मैं चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। उस प्रिंसिपल का नाम है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं एक प्रिंसिपल का नाम लिखने वाला हूँ, है ना, शायद आपको विजिबल हो या ना हो, आई डोंट नो, है ना, राइटिंग थोड़ी समझ जाना। लिखा हुआ है 5 मिनट और, मतलब 5 मिनट मोर। ये क्या स्ट्रैटेजी है भैया? देखो, जब भी आपका माइंड थक जाए, मान के चलो आप एक घंटे पढ़े और आप यार, अब यार आपका दिमाग इधर उधर जाने लगा, आपका मन कर रहा है कि यार फोन उठा लेता हूँ, फोन वहां पड़ा हुआ है, लैपटॉप पे थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, गेम वहां पड़ा हुआ है, तब आपको खुद के दिमाग से एक बात कहनी है। क्या कहनी है भैया? ये कहनी है कि भाई 5 मिनट और, बस 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ। उससे क्या होगा, आज आप 5 मिनट पढ़ोगे,
कल आप देखोगे आपकी एफिशिएंसी थोड़ी सी और बढ़ी, आपकी 5 से 10 मिनट होगी, 15 मिनट होगी, 20 मिनट होगी, ऐसे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। खुद से हर रोज कहना है क्या 5 मिनट और, ठीक है। कौन कौन इस टिप को फॉलो करेगा वो कमेंट में जरूर बताना मेरे को, ठीक है। अब चलते हैं आगे। और यार डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए मैं आप सभी को एक बुक भी रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है पावर ऑफ फोकस। यार एक बहुत ही शानदार किताब है और आप इसको सुन सकते हो एट कुकू एफएम। कुकू एफएम यार इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑडियो बुक वाला प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको 10,000 घंटों से ज्यादा का प्लेटफॉर्म का मतलब आर्स का कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हो। उसके अलावा यार कुकू एफएम आपको रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी कंटेंट प्रोवाइड करता है, तो मतलब आपको जिस भी लैंग्वेज के अंदर आपकी बुक्स का सुनना है, मटेरियल सुनना है, वो आप सुन सकते हो। और सबसे बेहतरीन बात है कि यार इसकी जो कॉस्ट है वो केवल एक साल की 399 है, बट क्योंकि आप हमारे इस चैनल पे देख रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार डिस्काउंट लेके आया है कुकू एफएम। वो ये है कि अगर आप ये जो कोड आपकी स्क्रीन पर आ गया है और जो डिस्क्रिप्शन में आपको आ चुका होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, उसको अगर आप अप्लाई करते हो तो ये आपको 50% डिस्काउंट और प्रोवाइड कर देंगे। मतलब यार आपको सिर्फ 199 रुपीस के अंदर ये ऑडियो बुक शानदार प्लेटफॉर्म पूरा एक्सेस करने को मिल रहा होगा। और याद रखना यार ये केवल 250 पहले कस्टमर्स के लिए है, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जल्दी से जाकर लिंक नीचे है कुकू एफएम पे जाओ और वहां पर आप सिर्फ 199 में पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो अपनी नॉलेज बढ़ाओ और कुकू एफएम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड भी डिस्क्रिप्शन में, जाकर ये जो पावर ऑफ फोकस है ये वाली किताब का पूरा ऑडियो बुक जरूर सुन लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो डिस्ट्रैक्शन से डील करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। यार देखो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ना खुद की ड्रीम, खुद का गोल पता होना चाहिए और खुद को बार बार याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम आएगा जब आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आपको लगेगा कि यार अब तो मैं हार चुका हूं। तो अगर ये आप लोगों के साथ अगर ये चीज हो रही है तो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, जहां पर भी आप पढ़ते हो, आपकी जो स्टडी टेबल है या फिर आप बेड पे पढ़ते हो, कहीं पर भी पढ़ते हो, उस सामने वाली दीवार पे एक पोस्टर चिपका देना। पोस्टर मतलब अपने खुद के पेज के ऊपर लिख के अपना गोल चिपका देना। मान के चलो आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर बड़ा बड़ा IIT जो भी आपका गोल है, जैसे दिल्ली है तो IIT दिल्ली लिख देना, एम्स है तो एम्स लिख देना, 12th बोर्ड में 95% है तो 95% लिख देना। बट मुझे हर एक स्टूडेंट का ये चाहिए यार वो अपने बेड के सामने या फिर अपना जो डेस्क है उसके सामने चीज चिपकाए। आप बोलोगे भैया ये तो बहुत बेवकूफ वाली बात है, क्योंकि अगर हम ये चीज करेंगे तो घर वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे कि क्या पागल आदमी है। देखो लोगों को सबको पागल बोलने दो, आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना है। और ये जो चीज है ना ये आपको रोज याद दिलाएगी, तू क्यों पढ़ रहा है, तू क्यों जग रहा है, ये 4 बजे की जो तेरी स्टडी है वो क्यों है, इस गोल को पाने के लिए। तो डरो मत और ये वाली चीज फॉलो करो, राइट योर गोल, लिख दो यार, हर किताब पे लिख दो, हर पन्ने पे लिख दो और हर एक अपनी डेस्क के सामने चिपका दो। गोल जब तक याद रहेगा तब तक आप मेहनत करोगे, ये रियलिटी है। यार मैंने आपको सारी ट्रिक्स बता दी, सारी टिप्स बता दी, अब एक लास्ट मेरी चीज सुनना। यार कभी कभार ना आपके लाइफ में हार्ड टाइम आएगा जब ये जो मैंने सारी चीज बताई है ना ये आपको फेल होते ही दिखेंगी। मान के चलो आपका एग्जाम अभी 10-15 दिन में और आपने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब आपको अंदर से डर लगने लगेगा कि यार क्या मैं कुछ कर पाऊंगा या फिर मैं इस एग्जाम को छोड़ देता हूँ, इस एग्जाम को मैं देने ही नहीं जाता, अब तो मैं फेल ऑलरेडी हो चुका हूँ। तो ऐसी चीज भी देखो सबकी लाइफ में आती है, मेरी लाइफ में भी बहुत बार चीजें आई थी। यार ये जो लास्ट टिप है मेरी खुद की टिप नहीं है, मेरे एक टीचर थे है ना, मतलब मैं जब अपने जेई की प्रिपरेशन कर रहा था आज से 3 साल पहले, तो मैं यूट्यूब पे फिजिक्स पढ़ता था। एक टीचर है जिनको आप सभी आज जानते होंगे, फिजिक्स वाला सर के नाम से वो बहुत मशहूर है, अलग पांडे सर। तो उन्होंने यार उस टाइम पर एक टिप बताई थी जो कि उन्होंने यूट्यूब पे भी शायद वो वीडियो डाल रखी होगी। वो जो टिप थी ना उसने शायद मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू एडिशन करा और आज मैं आपको वो लास्ट टिप शेयर करने वाला। वो टिप ये बोलती है कि भाई जब भी तेरी लाइफ के अंदर सब कुछ बुरा हो जाए और जो मैंने सारी चीजें बताई वो सब कुछ फेल हो जाए तो तुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, तुझे क्या करना है, देखो आपको करना है स्टार्ट फ्रॉम T=0। मतलब आपको फिर से स्टार्ट करना है, वो जो हो गया सो हो गया, आप 10 दिन बचे हैं 15 दिन बचे हैं फर्क नहीं पड़ता, स्टार्ट फ्रॉम T=0। अगर आप जिंदगी में एक बार हारते हो ना तो गिरोगे, बहुत गंदा गिरोगे, बट फिर से उठना और कहना स्टार्ट फ्रॉम T=0, मतलब मैं फिर से शुरू करता हूँ, जहां से मैंने शुरू किया था वापस से मैं उसी जगह से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप में ये वाला जुनून आ गया ना कि हर बार गिरने के बाद स्टार्ट T=0, तो यार आप बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे। एंड शायद लाइफ में मैंने भी इस चीज़ को इंप्लीमेंट करा है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ये आपको लाइफ में यहाँ से यहाँ कब ले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो याद रखो सारी टिप्स जो मैंने बताया उनको फॉलो करोगे और अगर हारते हो, अगर फिर भी 95% नहीं आती किसी भी एग्जामिनेशन में, तो स्टार्ट फ्रॉम T=0, वापस से स्टार्ट करेंगे, लाइफ में हारेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, जीतेंगे। यार एक ना एक दिन तो आएगा जब आप जीतोगे, और फॉर श्योर है हर एक का दिन आता है जब आप यार जीत रहे होते हो। हार यार आपको 100 मिलती हैं, बट वो जो 101 बार जो बंदा खड़ा होता है ना जीतता सिर्फ वही है, क्योंकि जो फेलियर्स होते हैं वो हर एक स्टूडेंट को मिल रहे होते हैं, हर एक बंदे को मिल रहे होते हैं, बट जो फेलियर से डील करना सीख जाता है ना वो 100 में से एक बंदा होता है सिर्फ।
तो आपको उस एक बंदे के अंदर आना। तो चलो ये थी हमारी सारी टिप्स, एंड अगर आपको कुछ भी चीज पसंद आती है तो यार मैं कहता हूँ कि आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, बट मेरा एक मकसद है कि मैं हर एक स्टूडेंट तक एजुकेशन को पहुंचा पाऊँ। तो यार बस एक काम आपको करना है, आपको एक दोस्त को ये वाली जो वीडियो है इसको शेयर कर देना है, ताकि यार मैं हर एक स्टूडेंट के पास एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दे पाऊँ। तो एक बंदे के साथ शेयर करेंगे, एंड लव यू ऑल स्टूडेंट्स, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और मोटिवेटेड रहो, कभी भी गिरने से डरना नहीं है, क्योंकि जो गिरता है ना और उसके बाद जो उठता है वही भाई लेजेंड कहलाता है। तो आपको भी लेजेंड की लाइन में आ जाना है और अपना बेस्ट दो, बाकी सब देखा जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।